तो ये जो है जैसे अब साइंटिफिक मेथड मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मेथड मतलब कि उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होंगे, है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे उसको, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिवली हम लोग फिर उसके बाद फिर उसका इन्फ्रेंस करते हैं। आप लोग देखें ना, इन्फ्रेंस लिखा रहता है प्रिकॉशन से, प्रिकॉशन के बाद जो है इन्फ्रेंस लिखा रहता है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ का मतलब समझना है, ये सब का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्रेंस मतलब हम लोग उसको जैसे रेफरेंस होता है ना, वैसे इन्फ्रेंस होता है। रेफरेंस में क्या होता है कि रेफरेंस में हम लोग वहाँ रेफर किए, जैसे हम बोलेंगे रेफर टू दिस, जैसे डॉक्टर रेफर करता है ना, रेफर टू दिस हॉस्पिटल, है ना, तो वैसे रेफर किए, रेफर टू पेज नंबर दिस, आप इसको पढ़ने के लिए वहाँ जाइए। तो वहाँ रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास वो एक चीज़ रहता है, तो वहाँ जाना पड़ता है, मतलब वहाँ उसको पलट करके देखना पड़ता है या फिर उसके पास जाना पड़ता है, समझे। तो उसको बोलते हैं रेफरेंस। और इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है वो चीज़, उसका भाव हमारे दिमाग में आता है कि इसका मतलब ये हो सकता है ना, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा आया इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है। इन्फ्रेंस हमारे दिमागों में रहता है, तो हम लोग दिमाग से जो चीज़ उसको रेफर करते हैं, दिमाग में जब रेफर करते हैं ना उसको, अपना वो चीज़ को याद करते हैं, तो वो हमारा इन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। तो ये वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया। फिर आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे आपका ये जो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन तो बता ही दिए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग बनाते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट जरा मतलब कि थोड़ा सा बच करके हमको, मतलब कि प्रिकॉशन लेकर के एक्सपेरिमेंट को करना है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाते हैं तो उसमें फिर हम लोग लिखे जैसे भाई आई है, वी है और आर है, तो आई इतना है, वी इतना रखा, तो आर कितना है, ठीक है। आप लोग वो ओम्स लॉ पढ़े ही हैं, है ना, तो आई वी और आर, ठीक, तो आई वी और आर, तो ये मतलब कि उसमें क्या है, तो ऑब्जर्वेशन, फिर उसका सिस्टमेटिकली फिर उसको हमको मेंशन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कि आई इतना रखेंगे। अब इतना भी नहीं कि आई जो है इतना हाई रख दिया कि वो जो है हमारा जो बल्ब है वही फ्यूज हो गया, या जो रजिस्टर है वो मतलब ख़त्म हो गया, उड़ गया, तो ऐसा मतलब कि ऐसा रखेंगे जिसमें कि मतलब कि वैल्यू हम लोग ऐसा रखेंगे आई और वी का, ताकि मतलब कि वो रेजिस्टेंस के रेंज में आए, है ना, रेजिस्टेंस के रेंज में आए, बस समझे। तो यही है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो बताई दिए इन्फ्रेंस के बारे में। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद फिर मॉडल तैयार किया जाता है, है ना, मॉडल तैयार किया जाता है और उसका ग्राफ बनाया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है, सारा सब कुछ। प्रिडिक्शन के बारे में तो वही है जो इन्फ्रेंस है। फिर वेरीफाई किया जाता है उसको, और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियोरी, मतलब जो जैसे जो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कल बताया था ना कि पुराने थियोरी को फिर फॉल्सिफाई कर दिया जाता है, है ना, उसको फिर धीरे धीरे निगलेक्ट करते जाता है, या तो फिर उसके अनुसार वेरीफाई कर देगा या तो उसको फिर गलत प्रूफ कर देगा। इसको बोलते हैं, ये सब मेथड जो है इसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड, है ना, यही सब, ये सब चीज़ें हैं। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्या देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब आप बताइए कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स अर्थ या फिर कोई भी दो मास के बीच में लगता है। हम लोग 9th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े हैं, 11th में फिर से हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे। तो जो दो फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है ना, द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू मासेस ड्यू टू देयर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं और पढ़ेंगे इस अभी चैप्टर में। तो जितने भी आपके स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, या फिर जितने भी गैलेक्टिक क्लस्टर्स हैं, है ना, तो इन सब में जो है, सन है, मून है, सब में ये सब ग्रेविटेशन फोर्स ही मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
अब दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेट। तो जो चीज़ जो भी फोर्स इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी उसमें, क्या बोलते हैं कि किसी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण जो है उसमें मैग्नेटिज प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गया, ये इंड्यूस्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो ये वो जो फोर्स था, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स था वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपका ये सब हो गया, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो भी क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मतलब कि अगर चार्ज क्या है, अगर चार्ज स्टैटिक है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं, कूलम्ब फोर्स हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। और अगर क्या बोलते हैं चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वहाँ जो चार्ज मूव कर रहा है यानी कि जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके करंट फ्लो करने के कारण जो है उसमें क्या बोलते हैं कि जो फोर्स जनरेट होगा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जो है उसमें बताया था ना कि क्रिश्चियन ऑरेस्टेड कि जब भी कभी एक क्या बोलते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो फील्ड जो है एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, है कि नहीं। जैसे मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है तो उसके वहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है ना, उस फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, तो वही चीज़ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसके बारे में हो गया। फिर उसके बाद वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण जो है हमारा अर्थ जो है ये भी एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें भी लगता है, है ना। मैग्नेटिक फोर्स जो है अर्थ भी मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ठीक है। अर्थ भी एक तरह से वो मैग्नेट की तरह है, ऊपर एक नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, है कि नहीं। तो यही सब है। और फिर उसके बाद जैसे मतलब कि मैटर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस एक दूसरे को क्या कर देते हैं न्यूट्रल कर देते हैं, और एक न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद है क्या बोलते हैं आपको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, ठीक। तो मतलब मैकेनिकल थर्मल और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इट अंडरलाइज द मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। इसमें भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक जो फोर्सेस है ना वो सब इसी में आते हैं। मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस कौन से, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है, टेंशन लगता है, है ना, ठीक है। वो टेंशन फोर्स वो टेंशन वाला टेंशन नहीं, ठीक है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको उसमें पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन भी एक तरह से फोर्स है ना, ठीक। और फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन तो बता ही दिए। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग के ऊपर लगाया जाता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो यही सब है। अब ग्रेविटी जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, है कि नहीं। तो ये सब चीज़। तो फिर उसके बाद अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब अगला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, जो आपके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वही जो है ना, आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पढ़े हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। तो वो जब उस न्यूक्लियस को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं उसको, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगता है, और इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है कि वो जो है इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब कि यूरेनियम बम अगर कहीं फट गया तो सोचिए कि पूरा का पूरा ये आपका शहर ख़त्म हो जाएगा। अब है अच्छा, उनके उनके बीच में जो है मतलब
उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, और ये 100 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स मतलब इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी है कि मतलब कि ये बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब है वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो जैसे आप रेडियो एक्टिविटी सुने होंगे, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें से रेज निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा जो रेज निकल रहे हैं ये क्या है, ये बीटा डीके हो जा रहा है, उसमें से बीटा निकल करके बाहर हो जा रहा है ना, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो बाहर हो जा रहा है। तो वो मतलब कि चार्ज पार्टिकल जो बाहर हो रहा है वो क्या है, वो उसमें उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स था बहुत वीक था, इस कारण से वो बाहर निकल गया। नहीं तो अगर स्ट्रांग रहता तो फिर बाहर कैसे निकलता, है ना। अच्छा, एक ये टेबल दिया हुआ है, इसमें रेंज दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, 10^-39, और रेंज क्या है, इनफाइनाइट, है ना। और जितने भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में ये ग्रेविटेशन फोर्स लगता ही है। फिर दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका रेंज है 10^-13, ठीक है। तो इसका भी जो है रेंज बहुत शॉर्ट है, सब न्यूक्लियर साइज का है, मतलब कि न्यूक्लियस में लगता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वगैरह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^-2, इसका वो रहता है स्ट्रेंथ, और इसका रेंज भी इनफाइनाइट है, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले साल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेंज है 1, ये शॉर्ट न्यूक्लियर साइज 10^-15 मीटर तक, ठीक है। और इसको न्यूक्लियंस के बीच में हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो है लगता है, क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन में क्या है। जैसे सर आइजैक न्यूटन जो है यूनिफाइड सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई किए, उसका स्टडी किए, क्या बताया, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों पे जो है ये सब अप्लीकेबल है, यूनिफाइड सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स, ठीक है, है ना। फिर हैंस क्रिश्चन ओरेस्टेड आए और माइकल फैराडे आए, तो हैंस क्रिश्चन ओरेस्टेड जो है 1820 में क्या बताए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनन को यूनिफाई किए, और माइकल फैराडे ये जो है 1830 में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो उसमें यूज होता है, किसमें, जनरेटर वगैरह में, है ना। फिर उसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को और ऑप्टिक्स को सबको यूनिफाई कर दिए एक ही में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएं। फिर ये ग्लैशो और ये एब्डस सलाम, फिर स्टीवन विनबर्ग, ये सब 1979 में इन लोग क्या बताए, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सबको यूनिफाई कर दिए, है ना, उन सब का यूनिफाइड स्टडी बताए। फिर उसके बाद ये कार्लो रुबिया और साइमन वांडर मीयर, ठीक है, इन लोग जो है थियोरी ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स उसको बताए, उसका एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, यही सब है, ठीक है। फिर आइंस्टीन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, ये आपको रिलेटिविटी थ्योरी वगैरह बताए। और फिर उसके बाद जो है सी वी रमन जो है ऑप्टिक्स के ऊपर जो है ना स्टडी किए, है ना। तो यही सब है। फिर E=mc2, E मतलब एनर्जी और M मतलब मास और C जो है स्पीड ऑफ लाइट, M मतलब मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो वो यही बोल रहे कि बस E=mc2 बस यही होता ही है, एनर्जी ही सब कुछ है, ये उनका सोच था, अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया था ना, यही सब है।
एनर्जी जो है स्केलर होता है, सारा सब कुछ एनर्जी जो है कंजर्व रहता है हमेशा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो सारे के सारे लगभग कंजर्व, जनरली जो है फिजिक्स कंजर्वेशन लॉ बताता है, है ना। तो आप देखते हैं कि कंजर्वेशन लॉ कौन कौन से हैं, जैसे कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये हाइपोथेसिस हो रहता है ना, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, कंजर्वेशन लॉ को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है। जैसे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको प्रूव करने का मतलब वो नहीं है, बस ये है कि इसका सिर्फ थियोरी बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर 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 आते आते फिर यहाँ से ऐसे आते गया। तो ये हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड। अब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट। धन्यवाद, नमस्कार।